कई लोग के मुंह से मैं अभी ये सुन रहा हूँ कि YouTube ये है वो है या फलाना डिमकाना कहते हैं और कहते हैं कि YouTube व्यूज नहीं देता या YouTube सब्सक्राइबर नहीं देता या YouTube अच्छी तरीके से पेमेंट नहीं करता है। एक बात बोलूँ, ये वही लोग हैं जो दो तीन दिन वीडियो डालते हैं और तीसरे दिन या चौथे दिन के बाद गायब हो जाते हैं। देखो काम ऐसे नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में दिखानी ही पड़ेगी। सो एनीवे मुद्दे पे आते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब में एक बेहतरीन सा चैनल बनाकर आप कैसे उससे अर्निंग कर सकते हो और मंथली अच्छा खासा मतलब $100 प्लस आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको करनी पड़ेगी मेहनत। नए यूट्यूबर का मेन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? वो क्या करते हैं, वो एक यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं और एक चैनल स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख लेते हैं और थोड़ी देर बाद दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, ना तो एक चैनल पर अच्छे से फोकस दे पाते हैं और ना तो एक चैनल पर अपना जी जान लगा सकते हैं और वो बीच में ही अटक जाते हैं। सो ऐसा आप मत कीजिए। अभी आपके सामने जो ये चैनल दिख रहा है इसका नाम है लाइव हिंदी और ये बेसिकली क्या करता है, ये बड़े लोगों का बायोग्राफी या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं उन लोगों का बायोग्राफी या लाइफ स्टाइल के विषय में ये वीडियो बनाता है और ये काफ़ी सारे आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और ये मंथली कितना अर्निंग करता है आपको पता है? अगर मैं इसका सोशल ब्लेड में देख लूँ कि ये मंथली कितना अर्निंग कर लेता है, एक सेकेंड, तो ये करीबन मंथली $1.2K से लेकर $19.3K अर्न कर लेता है। अगर मैं सिर्फ $1.2K को अगर मैं INR में कन्वर्ट करूँ, यानी तो ये करीबन 9 लाख रुपया अर्न करता है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर आप इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो। सो एनीवे और बाकी मैं चैनल भी आपको दिखाना चाहता हूँ और इसका नाम है बायोग्राफी। ये क्या करता है, ये इंग्लिश वॉइस ओवर में बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े फेमस हस्तियों के बायोग्राफी के विषय में वीडियो बनाता है और उनके बारे में कुछ कुछ बातें बताता है। और अगर आपको वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप ह्यूमन लाइक कंप्यूटर वॉइस को जनरेट कर सकते हैं और ये चीज़ को आप जरूर से ध्यान रखिए कि आप ह्यूमन लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही यूज करें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर वॉइस को डायरेक्टली यूज करते हो तो YouTube का एल्गोरिथम आपको पकड़ लेता है और आपके चैनल को मोनेटाइज होने से रोक लेता है। सो एनीवे और बाकी चैनल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सब चैनल है, ये सब क्या करता है, ये सब बड़े बड़े लोगों का बायोग्राफी बनाते हैं और ये अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप मतलब करते हैं और आप भी कर सकते हो। खैर अब बात आती है कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आपको पता है ये कंटेंट के लिए गूगल है ही यार, अपने पास गूगल है तो गूगल में आप सिंपली सर्च कर दीजिए। आप जिसके भी विषय में बायोग्राफी बनाना चाहते हैं पहले वो डिसाइड कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जस्टिन बीबर के बारे में बायोग्राफी बनाना चाहता हूं, तो मैं गूगल पे सिंपली टाइप कर दूंगा जस्टिन बीबर और जस्टिन बीबर टाइप करने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी कुछ वेबसाइट खुल के आ जाएंगे आपके स्क्रीन पर और आप विकीपीडिया से ही कॉपी कर लीजिए क्योंकि विकीपीडिया में आपको पता है मतलब एक्यूरेट डाटा रहता है। एनीवे सो ये कॉपी करने के बाद अब आपको बनानी पड़ेगी वीडियो। सो वीडियो बनाने के लिए आप काफी सारे टूल यूज कर सकते हैं और मैं यूज करता हूँ कैनवा, फिल्मोरा, कभी कभार काइनमास्टर भी चला लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आप जिस टूल के साथ आप यूज टू हो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप कैनवा को यूज करें क्योंकि कैनवा में काफी सारे रेडीमेड टेम्पलेट आपको पहले से ही मिल जाएंगे और मैं सारे के सारे टूल्स के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो उसकी आप कोई टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आती है कि वीडियो बनाने के बाद आती है वॉइस ओवर कहाँ से करें, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया था दो सीक्रेट, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो आप बिना हिचकिचाए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं। देखो ये तो बस एक डेमो है, आप इससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छे से आप इस वीडियो को बना सकते हो और बायोग्राफी को एक अच्छे से इन डिटेल वे में आप वीडियो को बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
अब बात आती है कि आप वॉइस ओवर कहाँ से करें। देखो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप अपना खुद वॉइस ओवर यूज कर सकते हो, और मुझे पता है कि इंडियन लोग ज़्यादा अपने नेचुरल लैंग्वेज यानी हिंदी में ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे वॉइस ओवर के लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में चैनल बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक मेरे पास सोल्यूशन है। आप कंप्यूटराइज ह्यूमन लाइक सॉफ्टवेयर को यूज करके वॉइस को जनरेट कर सकते हो, और उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा मुर्फ, और ये काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। Justin Drew Bieber is a Canadian singer. Bieber is widely recognized for his genre-melding musicianship and has played an influential role in modern day. तो देखा आपने ये कितना बेहतरीन वॉइस निकलता है, और पता ही नहीं चलता कि ये कंप्यूटर का है या ह्यूमन का है। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो यूज कर सकते हो, आप वॉइस को वॉइस को चेंज कर सकते हो, वॉइसेस में आप देख सकते हो, और यहाँ पर साउंड ट्रैक में देख सकते हो, AI स्क्रिप्ट, मतलब यहाँ पर आपको काफी कुछ ऑप्शन मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना आना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को। Justin Drew Bieber is a Canadian singer. Bieber is widely recognized for his genre-melding musicianship and has played an influential role in modern day. इतना सब कुछ करने के बाद वीडियो बन के हो गया है तैयार, और मुझे अच्छे से पता है कि ये वीडियो मैंने जस्ट डेमो के लिए बनाया है, और ये कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। आप इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकते हो, और वॉइस ओवर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब बात आती है कि दो सीक्रेट जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया था कि सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, सो वो है, एक है एक्सटेंशन जो क्रोम या फायरफॉक्स आप जिसमें आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, और उस एक्सटेंशन का नाम है vidIQ। ये बेसिकली करता क्या है, देखो आप जब YouTube में वीडियो अपलोड करते हो तो उसे अपलोड करते समय आपको अच्छी तरीके से टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या थंबनेल को बनाना चाहिए, और उसमें हेल्प करता है vidIQ का एक्सटेंशन। इसका AI ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड कर देता है कि आप किस तरफ का टाइटल लिख लीजिए या किस तरफ का टेक्स्ट दीजिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए और वायरल हो जाए। और जो दूसरा सीक्रेट है उसका नाम है वर्ड ट्यून। देखो अगर आप इंग्लिश वॉइस ओवर के लिए जो मूर्फ मैंने बताया था सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली विकिपीडिया से कॉपी करके वॉइस को जनरेट मत कीजिए। ये थोड़ा बहुत अनप्रोफेशनल लगता है कि कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। आप यूज कर सकते हो वर्ड ट्यून को। ये बेसिकली करता क्या है, ये अपनी तरीके से दूसरों के राइटिंग्स को बना लेता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विकिपीडिया से कुछ थोड़े बहुत कंटेंट को कॉपी कर लूँ और वर्ड ट्यून में पेस्ट कर लूँ, और वर्ड ट्यून की मदद से ये क्या करता है, ये अपने तरीके से एक नया कंटेंट बना लेता है, और आप उस नए कंटेंट को पेस्ट करके मूव की मदद से वॉइस ओवर को जनरेट कर सकते हो। ऐसा करने से आपका थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाएगा। हर वीडियो की तरह मैं अंत में आपको कुछ कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखिए या ना देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काम को शुरू कीजिए इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो वीडियो देखने के बाद आप काम पे लग जाइए और चैनल को स्टार्ट कर दीजिए, और अभी से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लीजिए, और इतना सब कुछ करने के बाद यार क्या ही है यार, चैनल ग्रो हो ही जाएगा। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।